मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा 9 जून से 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं चालू की गई हैं। शैपुरा भिटोनी में कोरोना वायरस के चलते परीक्षा केंद्रों में कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। स्कूलों में न तो छात्रों के लिए क्वारंटाइन रूम तैयार किए गए हैं और न ही परीक्षा केंद्रों में पंखे से लेकर लाइट की कोई व्यवस्था देखने को मिली। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में परीक्षा केंद्र प्रभारी का ढीलापन और अभद्रता भरा नजरिया सामने आया है, जहां शासन के परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिली। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के बाद आज बोर्ड परीक्षा 12वीं का पेपर सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ। शैपुरा नगर में 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय, शासकीय मॉडल हाई स्कूल भमकी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला शैपुरा है। तीनों केंद्र में 170 परीक्षार्थी ने रसायन का पेपर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संस्था द्वारा परीक्षा केंद्र पर जो तैयारी हुई है, जो नियम बने हैं, उसके अनुसार प्रशासन ने नियम में रहकर आज परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस, मास्क, पानी और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा छात्रों को दी है। इस केंद्र की परीक्षा प्रभारी बीएस परस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 104 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंस का पालन और छात्रों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। वहीं परीक्षा कमरों में कुछ अव्यवस्थाएं देखने को जरूर मिली, जैसे परीक्षा के कमरों में लाइट एवं पंखे की व्यवस्था नहीं थी, जिससे छात्र अपने रुमाल से हवा करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं परीक्षा केंद्र में शासन के निर्देशानुसार क्वारंटाइन रूम नजर नहीं आया, जहां शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम अपने अमले के साथ बैठी हुई थी। केंद्र प्रभारी वीएस ठाकुर का परीक्षा केंद्र के प्रति ढीलापन अभद्रता भरा नजरिया सामने आया है। इस केंद्र में सोशल डिस्टेंस का पालन दिखाई नहीं दिया। छात्रों को एक कमरे में बिठाया गया। परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच कोई दूरी का पालन नहीं हो रहा था। दिखाने के लिए कैन प्रभारी की टेबल पर सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई थी। जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो केंद्र प्रभारी ने अंदर जाने के लिए रोक दिया। ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र में कुछ काला पीला हो रहा हो, क्योंकि मुख्य कारण इस केंद्र का सभी परीक्षार्थी प्राइवेट छात्र हैं। उसका प्लान हो रहा है आपके पास पूरी तरह से? ऐसा कोई बच्चा दिखा आपको जो आपके गाइडलाइन से अलग हो? नहीं, हमारे पास में मेडिकल की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, अस्पताल शासकीय अस्पताल ऐसी तालीम की ड्यूटी लगाई गई है। बराबर वो बच्चों की स्कैनिंग कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और उनके हैंड सैनिटाइजर कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने हर कमरे में की है, हर कर्मचारी की ड्यूटी है। और जो बच्चे मास्क लेकर के नहीं आए थे, उनकी मास्क की भी व्यवस्था हमने अपनी तरफ से की। सर नाम बताएं। मेरा नाम वीएस ठाकुर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।